जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं एसएमसी की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, और चाहे डाउनटाउन की बात करें या फिर लाल चौक, जहांगीर चौक की बात करें या बटामालू की बात करें, लगातार हमें ये सारी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव देखने को मिलती है। स्ट्रीट वेंडर्स को अलग से मखसूस जगह देने की गुजारिश भी कर रहे हैं और एसएमसी उस पर नजरस्तानी भी कर रही है, और उनका ये भी दावा है कि उन्हें मखसूस जगह दी जा रही है। तो अगर हम दुकानदारों की बात करें, खास करके डाउनटाउन में, तो हम देखते हैं कि डाउनटाउन में अक्सर दुकानदार जो है फुटपाथ पर अपना सामान लगा लेते हैं, जिससे लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अब एसएमसी ने जो 7 दिन का स्पेशल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रखा हुआ है, उसमें डाउनटाउन के साथ साथ लाल चौक, बटामालू, जहांगीर चौक और ऐसे कई सारी जगह है वहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो सकती है। और आपको दिखाते चले कि हमने लगातार आपको इन विजुअल्स में भी दिखाया कि किस तरीके से आज एसएमसी एक मरतबा फिर से डाउनटाउन में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है और लोगों के लिए काम कर रही है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो लोगों के लिए ही काम करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। तो अब लोगों से भी अपील है, हम पर भी फ़र्ज बनता है कि जो चीज़ें लोगों की मुफाद के लिए है वो चीज़ें करें, ना कि अपना मुफाद है। कि अगर फुटपाथ लोगों के चलने फिरने के लिए बनाई गई है तो उस पर अपना सामान ना लगाए। और अगर स्ट्रीट वेंडर्स है, और इन्होंने भी अभी अच्छी बात बोली कि जो भी नए स्ट्रीट वेंडर्स है या किसी को काम की ज़रूरत है तो वो एसएमसी ऑफिस आके या अपने वार्ड अफसर से बात करके अपने आप को रजिस्टर करवाए और उनको काम मिल सकता है। तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ें हो रही है, क्यों लोग जानबूझकर अपने ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? फिर जब एसएमसी आती है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करती है, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मच जाता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचेगी और वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और उसके बाद अपना कारोबार अच्छे से कर सकते हैं। देखते जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि एसएमसी की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, और आज जो है एसएमसी ने डाउनटाउन में आके एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, लेकिन यहाँ पर हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि गुहार लगा रहे हैं कि हम कहाँ पर जाएंगे, हम कहाँ पर बैठेंगे, जिनकी रोजी रोटी इसी पर है। आइए बात करते हैं इनसे और इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मैंने जो पहले भी अर्ज किया है, हमने बाज़ाबता वेंडिंग जोन बनाए हैं इनके लिए। जो भी अगर डाउन टाउन का कोई वेंडर होगा वो रजिस्टर होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम सूटेबल जगह देंगे जहाँ पर वो काम कारोबार करेगा। इतना ही नहीं, हम उनको और भी मदद करा सकते हैं। इतना ही हमने पहले भी अर्ज़ किया कि हम इनको लोन भी दिलाते हैं इनको काम अच्छा करने के लिए। तो हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है, हम नहीं चाहते हैं कि इनको कोई नुकसान पहुँचे। अलबत्ता हमने कमिटमेंट की है कि हम सड़कें और फुटपाथ खुला करके रखेंगे, जहाँ लोगों की जो दुश्वारी उनको चलने फिरने में आती है वो ना आए। तो अगर इनको ये हमारे ऑफिस में आ जाए, हम इनको रजिस्टर करेंगे वहाँ पर। अगर ये जेन्युइन ये वेंडर है, इनको देखेंगे हम सूटेबली रिहैबिलिटेट करेंगे। इतना ही नहीं, हम इनके लिए जैसे संडे मार्केट लगता है, उसी तरह हम किसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक को कोई इम्पीडमेंट ना हो या चलने फिरने में लोगों को दुश्वारी ना हो, वहाँ पर भी हम इनको मार्केट लगा सकते हैं किसी किसी दिन, या शाम 4 बजे के बाद। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, इनको हमारे पास आना है, वो बैठ मिल बैठ के हम करेंगे इनके साथ वो
ताई, तो इनको इनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कई बार ऐसा कहा है कि जो पुराने वेंडर्स हैं उनको परमिशन दी जाती है बैठने के लिए और जो नए हैं उनको यहाँ से हटाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नए लोग ही अनएम्प्लॉयड है, वो कहाँ जाएंगे? देखो मैडम, मैंने पहले अर्ज किया जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको हमारी जिम्मेदारी है, उनको हम करेंगे सूटेबल जगह जो हमारे वेंडिंग जोन डेवलप हुए हैं वहाँ पर बिठाएंगे। अब जो नए आए हैं उनको भी उसी तरह आना है हमारे पास, क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, काम वाम नहीं है, उनको भी देखेंगे हम। ये कोई मतलब इस पर स्टॉप नहीं लग गया है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, देखेंगे अगर वो जेन्युइन है, नहीं तो एक एक फैमिली में से हमें चार चार बंदे आएंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे अगर जेन्युइन है वो, उनको भी हम अकॉर्डिंगली उनको भी हम मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कितना टाइम खाता है ये जो ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इसमें कितना टाइम खाता है? कोई नहीं, ये बहुत आसान प्रोसेस है। इनको हमारे जो ये वार्ड मतलब 35 वार्ड शहर श्रीनगर में हमारे, वहाँ पर जा सकते हैं वार्ड, अगर ये सेंट्रल ऑफिस नहीं आ सकते हैं अपने अपने वार्डों में जा सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। और वो बाज़ाबता सड़क ये होने चाहिए वेंडर, ऐसे नहीं मैं जाऊँगा तो फिर मुझे भी वो मुराद मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। उसके उसको लिख के लाना है वहाँ से, उनको भी वेरीफाई करना है जो हमारा स्टाफ है। उसके अलावा हम SHO से भी पूछ सकते हैं क्या ये बैठता है वहाँ पर, वो उसको हम देखेंगे, उसमें कोई ये मुश्किलात नहीं आएगी। बिल्कुल, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि 7 दिन का जो ये प्रोसेस है ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगा, 7 दिन तक चलेगा, तो 7 दिन के बाद फिर से ये लोग वही वैसा ही करेंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा? नहीं, मैंने बहुत बार ये अर्ज़ किया है, ये लोगों में भी गलत फहमी गई है कि हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसका एक अलहदा विंग है, उसको कहते हैं एंटी एनक्रोचमेंट विंग। बाज़ाबता हमारा सुकार रोज़ निकलता है साल भर, ये आज 7 दिन के लिए नहीं है, 7 दिन को हमने स्पेशल ड्राइव रखी है। उसमें हमारे एक दो जो विंग्स है, रेवेन्यू है, एनफोर्समेंट है, उनको भी इसमें शामिल किया है ताकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। अदरवाइज़ ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यू है साल भर, ये हम साल भर आपको देखते रहते हैं, हमें लाल चौक में, जहांगीर चौक में, बटमालू में, तो ये ज़्यादा हमारा फोकस रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों में है ये जो वेंडर्स है, तो शहर श्रीनगर में एक दुका वो हम उनको उठा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, अब स्ट्रीट वेंडर्स अगर अलग से देखा जाए तो शॉपकीपर्स की हम बात करते हैं, वो फुटपाथ पे निकालते हैं अपना सामान निकाल लेते हैं, तो उनका क्या है? वही अफसोस है, अगर चलो फुटपाथ वेंडर जो है उसके पास दुकान वकान नहीं है, जो दुकानदार है उसको लाल चौक वाला हो, चाहे हरी सिंह हर स्टेट वाला हो या डाउन टाउन वाला हो, कोई भी दुकानदार के पास कोई गुंजाइश नहीं है सड़क पर माल रखने का, क्योंकि उसके पास दुकान, अल्लाह ने उसको दुकान दिया है। हम नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं है कि उसका जो कारोबार है उस पर कोई असर हो जाए, तो उसको चाहिए, उसको हम गुजारिश कहते हैं, आप अपना सामान दुकानों से बाहर मेहरबानी करके मत रखिए, क्योंकि दुकानों के बाहर जो फुटपाथ होता है वो लोगों के चलने फिरने के लिए होता है, वहाँ से लोग चले फिरेंगे, गाड़ियों का जो रश होता है, अगर हम बीच सड़क में चलेंगे, लोग बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी माँ बहनें होती हैं, अगर वो सड़क के बीच रास्ते में चलेंगे एक्सीडेंट का खतरा होता है, और उसी वजह से ट्रैफिक जाम भी होता है। किसी को पहुंचना होता है हॉस्पिटल, क्योंकि ये इमरजेंसी हॉस्पिटल रोड है, या स्कूल पहुंचना होता है, कॉलेज इम्तिहान देने के लिए पहुंचते हैं, जब उसको 1 घंटा 1.5 घंटा बस में लग जाएगा तो वो क्या करेगा। इसलिए गुजारिश है हमारी दुकानदारों से, खासकर फुटपाथ वालों के साथ हम निपटेंगे, वो उनको हम बिठाएंगे अच्छी तरह किसी जो उनके लिए हमने मखसूस जगह रखी है, मगर दुकानदारों की कोई जवाबियत नहीं बनती है कि वो दुकान के बाहर माल रखें। तो इसमें हमारी गुजारिश है लोगों से भी और ख़ासकर दुकानदारों से, वो इसमें हमें तआवुन दे, ये हमारा इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, अगर है तो वो लोगों का इंटरेस्ट है, उसके लिए हम वादा बंद है कि हम ये फुटपाथ और सड़कें जो है इसको हम खुला करके रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।